CHSL 2020 12 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो लगभग आपके पास 25 दिन बचे हैं और 25 दिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इसमें अच्छे तरीके से मेहनत कर लेंगे और ढंग से अगर आपने सही करके स्टडी कर ली और अगर तरीके से चलेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इस जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ इसको फॉलो करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं फ़ायदा एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, मेरा नाम शहबाज है और ग्रेट IQ में मैं यहाँ पर आपको GS पढ़ाता हूँ। और मैंने जब 2018 में CHSL का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 225 मार्क्स आए थे, तो ठीक ठाक मार्क्स होते हैं ये कि जॉब सिक्योर हो जाती है 205 से ऊपर पे 2018 की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये जो टाइम है, पहले मैं उसकी आपको इंपॉर्टेंस बता दूँ, ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको जानते होंगे। इसका नाम मो फेरा है, ठीक है, ये मो फेरा ओलंपिक का प्लेयर है, ब्रिटेन की तरफ से रनिंग करता है लॉन्ग डिस्टेंस। ये बंदा अपने ओलंपिक की फाइनल रेस में जो है लास्ट मोमेंट पे आके गिर जाता है, ठीक है। और गिरने के बाद क्या होता है, इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये बोलता है कि मैं गिर गया, मेरा नसीब ख़राब है, अब क्या करूं मैं, अब तो जीत नहीं सकता मैं। मगर ये बंदा उठता है, खड़ा होता है और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पुश लगाता है, ठीक है, जान लगाता है और फाइनली क्या होता है, रेस कौन जीतता है, मो फेरा। तो इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके पास ये जो टाइम है वो ये सोचने का टाइम नहीं है कि पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी, कितना कंपटीशन है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसा एग्जाम आने वाला है। तो आपको सिर्फ फोकस ये करना है कि मुझे किसी से कोई लेने देना नहीं है, सीट मुझे बस एक चाहिए, एक सीट मैं लेके रहूंगा। और ये जो टाइम है वो जो बोलते हैं कि 6 घंटे पढ़ना चाहिए, मिनिमम 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं उतना मैक्सिमम टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए आप, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरा पुश लगाना है इस एग्ज़ाम में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। CHSL की जॉब कोई बेकार जॉब नहीं होती, अच्छी अच्छी पोस्टिंग है इसमें मिनिस्ट्री वगैरह में, ठीक है, और प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांस हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर फिलहाल आपको सिर्फ एक फोकस रखना है कि आपको ढंग से मेहनत करनी है। और अभी अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं 10-11 मिनट की जो वीडियो होने वाली है, इसमें आपका जो है ऐसा आउटपुट आना चाहिए कि आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ फायदा हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास अभी फिलहाल 25 दिन रह गए, यहाँ पे 25 दिन को आपको किस तरीके से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर आपके पास 25 दिन है तो स्टूडेंट भी दो तरीके के हैं, कि एक तो वो है जिनका एग्जाम का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक वो स्टूडेंट है जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, पहले मैं उनके बारे में यह बता दूं, जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ उन स्टूडेंट को क्या करना है, उनको सिर्फ अभी मार्च चल रहा है, मार्च में वो जितना कंप्लीट कर सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मार्च के बाद अप्रैल में जो 12 दिन बचते हैं वो इसमें सिर्फ मॉक लगाएंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके टाइमिंग, कॉन्फिडेंस, सब चीज़ में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है वो क्या करेंगे, वो स्टार्टिंग के भी जो 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन इसमें क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पर टेस्ट लगाएंगे, हर दो दिन में एक मॉक लगाएंगे, ठीक है, एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। और उसके बाद जो 15 दिन बचेंगे, ये लास्ट के 15, इसमें आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है इसमें, कि मॉक टेस्ट के लगाने के बाद आपको उसका एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अब एनालिसिस कैसे करते हैं अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता, या फिर डिटेल में जानना है एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि एनालिसिस कैसे करते हैं और उसको मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट को लेकर, क्योंकि जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, मैक्सिमम अब जो टाइम है वो प्रैक्टिस का टाइम है और टाइमिंग बनाने का टाइम है, और वो आपके मॉक टेस्ट से बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉक टेस्ट किसका लें, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मॉक टेस्ट ऑलरेडी खरीद रखे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, मगर जिसने नहीं खरीदे उनके लिए बता दूं कि आप टेस्ट बुक का ले सकते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, CHSL के प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको स्पीड टेस्ट भी मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पीड टेस्ट वगैरह लगा सकते हो आप। यहाँ पर आप देख रहे हो 14,000 प्लस यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है, इतने सारे टेस्ट हैं आप आराम से लगा सकते हो। और CHSL के अलावा MTS होता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम, CGL वगैरह जितने भी एग्जाम हैं सबके टेस्ट मिल जाएंगे। किसी भी चीज़ की अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं। 299 रुपये का पास है, अगर आप ग्रेट IQ का कूपन कोड अप्लाई करते हैं GREAT IQ तो 10% का आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो 30 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो ये बहुत सस्ता पड़ जाएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे कि हमें जो अपने 25 दिन है उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है मॉक टेस्ट के अलावा। तो अब डिस्कस करेंगे चारों सब्जेक्ट के बारे में। आपको पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GS और आपकी इंग्लिश, ठीक है। 25-25 आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें, 25 क्वेश्चन, 25 और 25 क्वेश्चन, ठीक है, 50-50 यहाँ मार्क्स के आते हैं, आपको सभी को पता है। इनसे पहले बताने से पहले मैं आपका एक जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दूँ, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं
जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के डीमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ ही इतनी गई थी, यूआर की कट ऑफ जो थी वो 159 थी, 159 से प्लस थी कट ऑफ यूआर की जो थी। आप सोचते हैं जब लास्ट ईयर 159-160 के आसपास गई है तो इस साल तो कट ऑफ और ज़्यादा जाएगी, फिर इस साल 165 इस तरीके से 170, तो ऐसा नहीं है भाई। कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे कट ऑफ डिपेंड करती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 2019 की जो कट ऑफ थी सी एच एस एल 2019 की जो कट ऑफ थी, इसमें जब अगर आप देखोगे एवरेज किसी शिफ्ट में जो है 15 मार्क्स बढ़े हैं और किसी शिफ्ट में 30 मार्क्स भी बढ़े, मगर ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हो तो हर शिफ्ट में, अगर आप एवरेज बता रहा हूँ मैं सबको जोड़ जोड़ के, तो आपके 20 नंबर जो है हर शिफ्ट में बढ़े ही बढ़े हैं, 20 नंबर जो थे, ठीक है। तो अगर इसमें से आप 20 माइनस भी कर देते हो तो यहाँ पे 140 के आसपास ये बन जाते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको समझाया था, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत बड़ा होता है, नॉर्मलाइजेशन में अगर मार्क्स बढ़ते हैं कट ऑफ का हिसाब किताब वहाँ से हेर फेर कर देता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर साल अगर साल बढ़ते चले आ रहे हैं कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने है, अभी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ आई है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, लास्ट ईयर जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 2016 में जब हुआ था डीबी कांस्टेबल का, तब आपको पता है कि कट ऑफ 77-78 के आसपास गई थी और अब 60-61 के आसपास गई है, ठीक है। तो मतलब ये 17 से 77-78 कट ऑफ गई थी, ठीक है, और अब 61 गई है, तो 17 नंबर का डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस क्यों आया आपको बता दूं, क्योंकि पेपर का जो लेवल था इस बार बहुत अच्छा लेवल बनाया गया था। हालांकि 3-4 साल बाद आप देख रहे 2016 में की वैकेंसी थी वाली और अब 2020 में पेपर हुआ है, तो 3-4 साल का गैप मिल गया था, तब भी 17 नंबर कम हो गए। क्यों कम हो गए? एक तो ये जो है फिजिकल के लिए ज़्यादा बच्चे लिए, सेकंड चीज़ ये कि पेपर भी थोड़ा सा टफ था, ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई। अब मैं सीपीओ का एग्जांपल दूंगा, सीपीओ का एग्जांपल समझो आप, सीपीओ का 2018 का जब एग्ज़ाम हुआ था, 2018 का एग्ज़ाम, तब उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 133 के आसपास गई थी, और जब 2019 का एग्ज़ाम हुआ है सीपीओ का, तब यहाँ पे 100-101 के आसपास गई थी, 101-102। तो जो कट ऑफ है वो आपके डिपेंड करती है वैकेंसी कितनी, एग्ज़ाम का पेपर कैसा आ रहा है, मोस्टली एग्जाम के पेपर पे डिपेंड करती है। तो कभी भी आप कट ऑफ को देख के तैयारी ना करें, कट ऑफ इतनी गई थी, आप अपना मैक्सिमम दे, अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, मैक्सिमम दे। अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, ठीक है, जीएस की बात बताता हूँ। सबसे पहले जीएस के लिए, जीएस में मेनली आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के लिए सबसे पहले डिस्कस कर देता हूँ, करंट अफेयर आपको कब पढ़ने हैं, 2020 तक के पढ़ने हैं पूरे, 2020 के और 2021 में जो भी स्पोर्ट्स वगैरह हुए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो करने करंट अफेयर में। करंट अफेयर जो एसएससी की होती है वो एनटीपीसी की तरह नहीं होगी, जैसे एनटीपीसी में 2018-17 के भी पूछ रखे हैं, 2020 तक के कर लीजिए, एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली टॉपिक बताऊंगा तो वीडियो आधे घंटे से भी लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। हाँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हो, किसी को ज्योग्राफी के जानने हो, तो सबको तो नहीं जानने सारे, इसीलिए मैंने जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आपको स्पेशली जानने हैं कि हिस्ट्री में कौन से टॉप 10 टॉपिक्स हैं जो आप स्कोर कर सकते हैं, अगर वो जानने हैं आपको, साइंस में जो है फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बायोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब जानना है, तो मैंने सारी वीडियो इंडिविजुअली बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिससे आपका टाइम बचेगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट को सिर्फ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हो, बायोलॉजी के ना जानने हो, और मैं यहाँ सारे बता दूंगा, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने सबके इंडिविजुअली बना दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए सारी वीडियो के, आप चेक कर सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहां से आपका जीएस कवर हो जाएगा, लास्ट के 25 दिन में आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, मेन फोकस आपको यह करना है कि आपको क्या छोड़ना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तो पढ़ लेते हैं मगर ये नहीं पता छोड़ना क्या है, तो आपको वो चीज इग्नोर करनी है जो पेपर में आती ही नहीं है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह हो गई, ठीक है, ये सब चीजें इग्नोर करनी है। अगर आप बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में सिर्फ आपको क्या करने हैं, स्पीड टेस्ट लगाने हैं, स्पीड टेस्ट। अब स्पीड टेस्ट क्या होता है, ये स्पीड टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, टेस्ट बुक वगैरह में टेस्ट बुक में जो है आपके पास स्पीड टेस्ट मिल जाएंगे, काफ़ी इंडिविजुअली सेक्शन वाइज सीरीज के अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के अलग होंगे, आपके सिटिंग अरेंजमेंट के अलग होंगे, तो स्पीड टेस्ट होते हैं छोटे छोटे अलग अलग जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके, आप उसको लगा सकते हैं, अगर आपने वो लगा लिए हैं तब आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, कोई सी बुक से रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको फोकस करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रीजनिंग में मार्क्स लेके आए, 45-47 के आसपास अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो बहुत अच्छे स्कोर हो जाएगा, ठीक है, 45 तक अगर रहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है रीजनिंग में। अब बात करते हैं अपने इंग्लिश की, इंग्लिश में आपको क्या करना है, मेजर फोकस जो रखना है वो वोकैब पे रखना है, ठीक है, वोकैब अच्छी आती है सीएचएसएल में, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम फ्रेजेस हो गए, तो इस पे अच्छा फोकस रखना है, ज़्यादा आते हैं। उसके साथ साथ आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन,
रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे देखो, क्योंकि क्या होता है, या तो क्लोज टेस्ट आएगा आपका या पैसेज आएगा, दोनों में से एक चीज़ आएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जब भी आएगा आपका, अगर रीडिंग अच्छी है तो उसमें क्या होगा, आप जल्दी कर पाएंगे, उसमें टाइम बचेगा, और मेन मुद्दा यहाँ टाइम का ही है। अगर आपने टाइम बचा लिया तो आप मैथ अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपने टाइम बचा लिया तो मैथ्स अच्छी डेफिनेटली कर जाएंगे, क्योंकि टी सी एस में क्या होता है, मैथ्स में अर्थमेटिक कभी कभी कैलकुलेटिव दे देता है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आपको इंग्लिश से अपना टाइम जो बचाना है, रीजनिंग और इंग्लिश से, और अपना टाइम इन्वेस्ट करना है मैथ्स में, ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा से जा सके, ठीक है। ग्रामर की अगर मैं बात करता हूं तो मेनली आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं वो, और आपके नरेशन जो होती है, ठीक है, नरेशन आपको यहां करनी है। एक एक क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, लगभग फ्री के नंबर होते हैं अगर आपने ढंग से कर लिया। प्लेन टू पैरामाउंट की बुक से कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी बुक है आपके पास, मिरर ऑफ कॉमन एरर से कर सकते हैं, ठीक है, एमए पब्लिकेशन जो भी आप बुक यूज करते हैं उससे कर सकते हैं, किरण की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मगर प्लेन टू पैरामाउंट से करते हैं तो ज़्यादा, मतलब सब बोलते हैं अच्छी बुक है, और मैंने भी उसी से तैयारी की थी। तो ये आपके इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो इंग्लिश में यहाँ से करना है, रीजनिंग में स्पीड टेस्ट लगाना है, जीएस में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस टॉपिक के इंडिविजुअली जाने तो लिंक में वीडियो है, सारे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के दो पार्ट हैं आपको पता है, एक एडवांस मैथ, एडवांस, और एक अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक। अब आपको फोकस किस पे करना है, तो मेजरली आपका फोकस अर्थमेटिक पे रहना चाहिए, ज़्यादातर पोर्शन इससे आता है, अर्थमेटिक से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्या होता था, 2017 के टाइम तक जो है एडवांस मैथ अच्छे पूछ रहे थे, वो थोड़े डिफिकल्ट टाइप पूछ रहे थे, और अर्थमेटिक इजी दे रहे थे। 2017 के बाद जब 2018 CGL हुआ है, तब से TCS ने पैटर्न को चेंज कर लिया। वो क्या करता है, वो अर्थमेटिक पर फोकस करता है। अब फोकस किस तरीके से करेगा, क्वेश्चन आसान होगा, कर सकते हो, आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हो, मगर आपको ये भी लगेगा कि इसमें टाइम बहुत बर्बाद होने वाला है, ठीक है। तो वो क्यों, सारा डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको करनी है कैलकुलेशन पे फोकस करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। अगर आपने जल्दी क्वेश्चन कर लिया तो आप जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अर्थमेटिक पे फोकस रखेंगे मेन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपलीफिकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं आप कर सकते हैं। CISI, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एडवांस मैथ्स में आप किस पे फोकस करेंगे, ट्रिगो पे, ठीक है, ट्रिगो के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिगो के साथ साथ मेंशन ऑफ और ज्योमेट्री, इसके क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, बहुत रेयर चांस होगा जो क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आते। ये आपको करना है मेजरली, आपको टेस्ट लगाने हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट करना है, ध्यान किस चीज़ का रखना है कि दूसरों की बातों को इग्नोर करना है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को माइंड में ना रखें, अपना 100% दें, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, और आपको कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रखें। सेकेंड चीज़, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड जो है 12 अप्रैल से आपका पेपर है, और 2 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आता है, 2 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और 2 अप्रैल को एडमिट कार्ड आने के बाद आपको पता चलता है कि 12 तारीख को आपका पेपर है, 12 अप्रैल को आपका पेपर है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके शिफ्ट जो है 10 बजे से 11 बजे तक की है मॉर्निंग में, आपके 10 से 11 की शिफ्ट है, तब आप क्या करेंगे, 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप जब भी मॉक टेस्ट लाएंगे, मॉक जो लाएंगे वो हमेशा इस टाइम पे लाएंगे, मॉक टेस्ट आप जब भी लगाएंगे 10 से 11 के टाइम पे ही लगाएंगे, उससे ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे, और उसके बाद आप अपना एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ याद रखना, ये जो चीज़ होती है ये ब्रेन में साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन में, उससे क्या होता है कि हमारी तैयारी इस तरीके से हो जाती है कि हमारा माइंड अच्छा वर्क करने लग जाता है। होता क्या है, कभी कभी स्टूडेंट्स जो होते हैं मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनका एग्जाम इवनिंग में होता है, तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रात को ज़्यादा पढ़ते हैं और उनका एग्जाम सुबह ही सुबह पढ़ जाता है फर्स्ट शिफ्ट में, को वो बोलते हैं कि हाँ ये तो क्वेश्चन मैं कर सकता था मगर ये हो नहीं पाया, मुझसे सिले मिस्टेक हुई। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 दिन पहले आप जो है, या 7 दिन पहले जब आपका एडमिट कार्ड आता है, स्टेटस आता है, तो आपके टाइमिंग वगैरह आ जाती है उसमें, और उस टाइम पे आप जो है तैयार करेंगे अपने ब्रेन को कि हाँ मुझे इस टाइम जो है पेपर देना है, तो टेस्ट भी आप उसी टाइम लगाएंगे। लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसमें से आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है, कोई एग्ज़ाम आपका पास है, अगर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ डाउट है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितने भी कमेंट होंगे मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा सबकी मदद कर पाऊं, और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पढ़िए, टाइम वेस्ट ना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।